हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। माउंट आबू के अंग्रेजी माध्यम के स्कूल ने की सरकार से स्कूल खोलने की मांग। मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को दिया ज्ञापन। माउंट आबू एंकर पश्चिम भारत एवं राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन माउंट आबू, जहां पर्यटन एवं धार्मिक नगरी के रूप में विश्व विख्यात है, वहीं माउंट आबू अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा के लिए देश और विदेश में अपनी पहचान बनाए हुए ब्रिटिश शासन काल के पहले से माउंट आबू में चलती अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पूरे देश से विदेश से बच्चे शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। लेकिन माउंट आबू का स्कूलों का जहां अन्य स्कूल है ग्रीष्मकालीन छुट्टी के साथ बंद होती है, वहीं माउंट आबू की अंग्रेजी माध्यम के स्कूल दिसंबर में बंद होती है और फरवरी के अंत में खुलती है। इस प्रकार से माउंट आबू की स्कूलों में इस वर्ष दिसंबर माह फाइनल एग्जाम का होता है। माउंट आबू की स्कूल 15 मार्च से बंद है और जहां पर बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा तो दी जा रही है, लेकिन सरकार द्वारा अभिभावकों से कहा जा रहा है कि स्कूल खुले नहीं है तो फीस नहीं, उसको लेकर अभिभावक स्कूलों में कम की गई फीस भी जमा नहीं करा रहे हैं, जिसको लेकर माउंट आबू के हॉस्टल स्कूल में शिक्षक आ रहे हैं, ऑनलाइन शिक्षा भी चल रही है, स्कूलों के मालिक शिक्षकों को उनकी सैलरी भी दे रहे हैं, फिर भी अभिभावक सरकार के कहने के चलते फीस जमा नहीं करा रहे, जिससे माउंट आबू का ये व्यवसाय बंद पड़ा है, जिसको लेकर माउंट आबू के सभी स्कूलों शिक्षकों ने मिलकर माउंट आबू के उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है कि माउंट आबू की ये स्कूल है अब चालू की जाए, जिससे उनका व्यवसाय चालू हो सके। और सरकार फीस लेने का अगर मना करती है तो सरकार बिजली पानी बिलों के साथ शिक्षकों की सैलरी बच्चों की फीस स्कूल में जमा करवा दे। माउंट आबू की इस प्रकार की मांग को लेकर स्कूल मालिकों ने ये भी कहा है कि जब सरकार बिजली पानी के बिल तक नहीं छोड़ सकती, उनके साथ फिर सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। सरकार अपने वोट बैंक तैयार कर रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए खुर्शीद कॉन्ट्रैक्टर प्रबंध संचालक सेंट जोसेफ सेकेंडरी स्कूल, इन्होंने ये कहा। 7 महीनों से 8 महीनों से माउंट आबू की सारी स्कूलें बंद पड़ी हुई है और सरकार ने ये आदेश दिए हैं कि प्राइवेट स्कूल फीस नहीं लेंगे। अगर सर प्राइवेट स्कूल फीस नहीं लेंगे तो टीचर्स को सैलरी कहाँ से मिलेंगी, उनके घर बार कैसे चलेंगे। क्या सरकार ने हमें कोई रियायत दी है? सरकार ने हमारे पानी बिजली के बिल कम किए हैं, EMI कम किया है, कुछ भी नहीं किया है। आज टूरिज्म भी धड़ाके से चल रहा है, पूरी दुनिया अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है, पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो चुका है। लेकिन जहाँ पर जब स्कूल की फीस भरने की बात आती है, सरकार को ये लगता है कि स्कूल में आने से बच्चों को कोरोना हो जाएगा। लेकिन हम भी सोशल डिस्टेंसिंग मानते हैं, हमारे भी बच्चे, हम इस तरह से आगे नहीं कर सकते। लेकिन आज के दौर को देखते हुए हमें हमारे हथियार डालने पड़ रहे हैं और हम ऑनलाइन स्टडीज बंद करवा रहे हैं जब तक कि सरकार हमारी बात नहीं मान ली। सरकार अपनी वोट बैंक बढ़ाने के लिए अगर ये कदम उठा रही है तो सरकार ये बहुत गलत कर रही है। शिक्षा विद्या के साथ जब कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ब्रह्मा और विष्णु को तो लाकर रस्ते पे खड़ा कर दिया सरकार ने। कहाँ रहा वो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, कहाँ है? कुछ भी नहीं रहा। सरकार ने अपने अपने भलाई के लिए हमारे कंधों पर बंदूक डाल के हमारी गर्दनें काट डाली है, इसके अलावा और कुछ नहीं। थैंक्स। जागरूक टीवी के लिए आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।